नमस्कार, प्रणाम। हम ही देव सिंह। आज हम आप सबसे कुछ अपन मन के बात करल चाहत नहीं। जौना हिसाब से मजदूर के पलायन होता ही बहुत दुखद बा, ऐसा वीडियो देखे का मिला था कि मन विचलित हो जाता। मन करता कि यार हम निके काहे दूसर शहर में आके कमाता नहीं जाए, काहे के ऐसा तकलीफ झेले का पड़ता। अगर हमनी के राज्य में अगर ये सुविधा हुई हो जाए, नौकरी की सुविधा हुई तो या काम की सुविधा हुई तो शायद हमने के एक दूसरा शहर राज्य में ना जीती जा, अपना परिवार में रहती जा, अपना परिवार में कमाईती जा। लेकिन अफसोस कि ये ऐसा नहीं है। आज हर कोई मजदूर से अपन नाता तोड़ ले बा, बस जैसे जाता सब यही चाहता कि केहू तरह घर पहुँच जाए, अपना परिवार में पहुँच जाए। लेकिन अब हम बात करब अपना इंडस्ट्री के बारे में, तो अपना इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी मजदूर ऐसे बाड़न जो टेक्नीशियन बाड़न, जो स्पॉट बॉय, लाइटमैन, पर्सनल बॉय, आर्ट डायरेक्टर, सेटिंग, मेकअप दादा, हेयर स्टाइलिस्ट और ऐसे तमाम लोग बा जो मजदूरी पर, डेली वेजेस पर काम करता है, चाहे वो करेक्टर आर्टिस्ट हो जो उनकी पर डे पे काम करता। तो हम कहब कि जो 2 महीना से लॉकडाउन चला था, ये 2 महीना के भीतर बहुत लोग बा जो अपना तरफ से हर संभव कोशिश कैलस कि ये लोग के मदद करल जाओ, मदद करा जा और मदद कैलस लोग बहुत लोग ऐसे बढ़ना, हम एक के नाम ना ले, ले बहुत इंडस्ट्री के तमाम ऐसे स्टार बने, लोग बने, प्रोडक्शन हाउस बा जो सब मिल के एक दूसरा के मदद कैलस। अब ओमें हमन के कुछ बहुत आर्टिस्ट भी बने जो अपना यथासंभव जो मदद हो सकल कैलस। लेकिन ये लॉकडाउन अभी बढ़े वाला बा और ये लॉकडाउन के अगर ये स्थिति और 2-3 महीना रही तो जो करेक्टर आर्टिस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री के बाने वो लोग के पलायन करना पड़े। तो कहें कि रूम रेंट और लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल और गैस के बिल, रोज़मर्रा के जो सामान बा, तो आलू 40 रुपये किलो बिकता। खैर तो ये सब एगो बात बा, तो ये सब तो ज़रूरी बा हर आदमी के जिए खातिर, खाए के पड़ी और रहे खातिर घर का भाड़ा देवे के पड़ी। तो में हमन जो तमाम लोग बने जो ये स्थिति से गुजरा तारा बोल नहीं पावत, तो प्लीज़ हम चाहब कि जो शूटिंग बा जो ज़रूर जल्दी शुरू होके, कहें कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सब चीज़ के खोलता, तो हम ये कहब कि प्लीज़ जितना जल्दी होके ये फिल्म लाइन के भी काम शुरू होके, राज्य सरकार के एकरा के राज्य सरकार जल्दी से एक गाइडलाइन बनावे जो सिनेमा के लेके टीम बा जल्दी से गाइडलाइन बने और शूटिंग ज़रूर जल्दी शुरू करे, ताकि जो ये लाइन के टेक्नीशियन बना है वो कम से कम अपना घर मत जा। जब ऐजे कमा तन जाता चाह ऐजे रही जा, ऐजे जी जाए, ऐजे मरी जा। तो हम आप सब से प्रार्थना करब कि आप सब जो इंडस्ट्री के तमाम जो लोग बने ये बात पर अमल करें और रवि जी, मनोज तिवारी जी और दिनेश जी से हम चाहब कि प्लीज़ मोदी जी से आग्रह करें कि कम से कम इंडस्ट्री के भी कुछ पैकेज देस, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स भोजपुरी इंडस्ट्री ना, पूरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। तो हम ये चाहब कि यहू के कुछ पैकेज मिले, लेकिन कभी भी फिल्म लाइन वाला के कोनो पैकेज ना मिलेगा। तो हमने के आत्मनिर्भर तो ये बनी जा, जब बम्बई आनी जा तब से आत्मनिर्भर बनी जा, ढूंढ ढूंढ के काम पर नहीं जा। और तो प्लीज़ ये सब पर थोड़ा ध्यान देवल ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके शूटिंग शुरू करवाएं, ताकि लोग ये रुकल रहे और अपने काम पे लग जाए और अपने परिवार के देखभाल कर सके। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।